स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो एक टूल है, छोटा सा एंड्रॉयड मल्टी टूल, जो ज़्यादा नहीं है, 4-5 MB का होगा, लेकिन इसमें काम जो है बहुत अच्छा काम होता है और बढ़िया है। तो इसके अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ और कैसे रजिस्टर होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर एंड्रॉयड मल्टी टूल लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कैसे रजिस्टर करना है उसको। तो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया एंड्रॉयड मल्टी टूल। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड यहाँ से आप कर लेंगे। तो देख पा रहे यहाँ पे बहुत सारा मॉडल दे चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, और रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है, इसको डाउनलोड करके रखा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लॉगिन भी करके दिखाऊंगा क्या क्या फ्यूचर है इस टूल के अंदर। तो जैसे कि मान के चलिए इसको अभी लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कैसे रजिस्टर करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरा टूल खुल रहा है अभी, इसको डबल क्लिक करके खुल लिया। खुलने के बाद यहाँ पे देख पा रहे डोंट हैव ए अकाउंट, यानी कि अकाउंट को नया क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको डोंट हैव ए अकाउंट पे जाना है। जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जीमेल नेम पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद नीचे वाला जो पासवर्ड है वो कन्फर्म पासवर्ड वही देना होगा, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। क्लिक हो जाएगा, मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, करके रखा, और ये टूल खुलेगा क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट अगर बाय करके आप रखते हैं तो क्रेडिट के अंदर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। फिर यहाँ पर मैं पासवर्ड भी डाल दिया, डालने के बाद जो अपना टूल है वो रन हो जाएगा अभी। देख पा रहे मैं यहाँ पे लॉगिन मार दिया। लॉगिन मारने के बाद यहाँ पे कुछ वेट करेगा, देख पा रहे खुल चुका है मेरा टूल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ और दिखा देता हूँ ये इन्फिनिक्स का, देख पा रहे कितना सारा मॉडल। तो यहाँ पे मैं एयरटेल की बात करें, आइटल इन्फिनिक्स की इतना सारा मॉडल है, देख पा रहे इतना मॉडल है। ये सब ऑथेंटिकेशन फ्री है, यानी कि क्रेडिट नहीं लगेगा क्रेडिट के ऊपर, वो विदाउट क्रेडिट काम करेगा आपका। इसके बाद यहाँ पे आइटल के अंदर भी विदाउट क्रेडिट काम करेगा। तो फ्रेंड, बहुत सारा फ़ोन के अंदर विदाउट क्रेडिट लगता है। जो टेक्नो की बात करें, जो टेक्नो की फ़ोन है, टेक्नो के अंदर आपको क्रेडिट देना होगा। तो रियलमी का देख पा रहे इतना सारा मॉडल, सब भी विदाउट क्रेडिट लगेगा आपका, विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट की इस पर क्रेडिट नहीं कटेगा। वीवो की जो क्वालकॉम बात करें तो वो क्वालकॉम के अंदर आपका क्रेडिट कटेगा कुछ कुछ मॉडल पे, और कुछ कुछ जो मॉडल है वो विदाउट क्रेडिट। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सल मीडिया टेक है, तो बहुत सारा फ़ोन इस टूल के अंदर क्या है, एक साथ में आप FRV फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं इस टूल के अंदर, एक साथ में हो जाएगा। तो ये देख कर यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल जो है पथ फ्री दिया है, और इसके अंदर आपको फ्रेंड 2 क्रेडिट अभी लगता है, 2 क्रेडिट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फोन प्लस अनलॉक होगा, ये आपका टेक्नो के ऊपर। तो स्वामी का इतना सारा डिवाइस जो है ऐड कर चुका है इस टूल के अंदर। तो फ्रेंड मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें जो काम है ना, काम बहुत अच्छा होता है, और कोई टेंशन नहीं है। जो बाकी टूल के अंदर जो बहुत सारा कुछ एरर वगैरह आता है, तो इसमें देखा हूँ काफ़ी रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देख पा रहे यहाँ पे मैं इतना सारा मॉडल है कि यहाँ पे मेरा जो 9 डे है, नीचे देख पा रहे 9 डे जो है, 9 डे के अंदर
अपना जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप अगर लेते हैं 10 क्रेडिट तो 99 डे वहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद 99 डे के बाद आपका जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो है अभी ज़्यादा नहीं है, 10 डे होगा तो 10 क्रेडिट मैंने ऐड किया था, अभी वो क्रेडिट ख़त्म होने वाला है क्योंकि 9 डे के बाद मेरे को दोबारा क्रेडिट ऐड करना होगा। तो फ्रेंड इस टूल को आपको अगर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले रजिस्टर होने के बाद आपको क्रेडिट ऐड करना होगा तभी चल पाएगा ये, और इसको चला के देखिएगा बहुत अच्छा है और बहुत काम भी बहुत बढ़िया होता है। इसमें क्या है कि हेल्थ भी चेक हो जाता है, जैसे कि हेल्थ चेक की बात करें तो बहुत सारा मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो आप मीडिया डेक के अंदर बाहर से आप इसको हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सिंपल सी जो हेल्थ चेक होता है, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है तो जो एमएमसी के अंदर जो हेल्थ चेक होता है वो ऑप्शन इस शोर के अंदर दिया गया है फ्रेंड। तो इसमें आप फ्लैश भी कर सकते हैं, डेमो भी निकल सकते हैं। तो अगर इस टूल को क्रेडिट बाय करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके उस एडमिन से आप संपर्क करके आप क्रेडिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देख पा रहे यहाँ पे हेल्थ चेक का ऑप्शन है, DLMH की एरर की प्रॉब्लम है, सारा इस टूल के अंदर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था।